मेरी परवरिश मिसिसिपी में हुई। मेरे पड़ोस में सब ब्लैक थे। वैसे तो मुझे कोई ऐसी चीज नहीं दिखती थी जो भेदभाव की बात करती हो, मगर जब मैं शहर आया तो कहानी कुछ अलग थी। उन दिनों यहां कोई बस सर्विस नहीं थी, लेकिन जब मैं छोटा था तो मुझे इंडोर्स में से किसी एक से ही जाना अलाउड था। वन साइड व्हाइट, वन साइड कलर्ड। बचपन में जब रेसिज्म जैसी किसी बड़ी बुराई से सामना होता है तो पहले पहल कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है, ये आया कहां से। अच्छा करने की हमारी तमाम कैपेसिटी के बावजूद बुरा करने की इच्छा इंसानी इतिहास पर हावी रही है। अगर आप मानते हैं कि हम उस दुनिया में रहते हैं जिसे ईश्वर कंट्रोल करता है, तो यहां शैतान का काम ही क्या है। इसलिए मैं निकल रहा हूं इस सफर पर यह समझने कि बुराई का वजूद क्यों है। मुझे पता है आपने जो किया है, मगर यह बताइए कि किया क्यों, पता लगाने कि कैसे ये हमारी जिंदगी में दखल देती है। जिन लोगों को लगता है कि उन पर किसी शैतान का साया है वो यहाँ आते हैं। कैसे बुराई ने पहली बार हमारे दिलों पर कब्जा किया। अगर आप झूठ बोलते हैं, बुरा काम करते हैं, आपका दिल भारी हो जाता है, और दिल भारी हो तो जन्नत नहीं मिलेगी। और जानने की कोशिश करूंगा कि कैसे कुछ धर्म हमें बुराई से लड़ना सिखाते हैं। हम में ही दो मेंटालिटी होती है, एक अच्छी और एक बुरी मेंटालिटी। अंधेरे को मैंने कुछ बहुत ही बुरे काम किए हैं रोशनी में बदलने के लिए। दुनिया की उम्मीद आप में ही तो है। दुनिया में शैतान क्यों है, इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये आता कहां से है। कुछ धर्म इसे एक अनदेखी ताकत मानते हैं जो पूरी दुनिया में फैली है, यानी ये हैं अंधेरे में घात लगाए बैठे शैतान। क्रिश्चियनिटी की नजर में असली शैतान हो सकते हैं यही, या फिर कोई और चीज जो हमारे अंदर से निकलती है। तो मैं जा रहा हूं एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में मिलने ऐसे इंसान से जिसे आप शैतान का अवतार कह सकते हैं। तो कैंट, क्या शैतान से कभी आमना सामना हुआ है। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने बहुत बुरे काम किए हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर कैंट कील साइकोपैथिक किलर्स के दिमाग के अंदर शैतान के सोर्स का ठीक ठीक पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि लोग इतने बुरे काम करते ही क्यों हैं, और क्या करें कि एक दिन ये सब रुक जाए। थैंक यू डॉक्टर कैंट। जिन लोगों पर स्टडी कर रहे हैं, मैं वैसे ही एक आदमी से मिलने वाला हूं जो यहां उम्र कैद काट रहा है। उसके वकील के मुताबिक इस आदमी ने 2 दर्जन से ज्यादा बलात्कार किए हैं और 3 की हत्या की है। वो करीब तब से ही जेल में है जब वो टीनेजर था। बस बीच बीच में कुछ टाइम के लिए जब वो जेल से बाहर गया, उसका बिहेवियर वही रहा। फिर से रेप्स किए और फिर मर्डर करने लगा। उसने कबूल किया ये सब। उसने सारे जुर्म कबूल किए। मैं आपको उसका चेहरा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता उस बदनाम आदमी को दिखाया जाए जिसने ऐसा वहशीपन दिखाया है। मगर मैं जानना चाहूंगा कि वो क्या चीज है जो किसी से वो सब कराती है जो इसने किया है। मुझे जानते हैं दया, मैं जानता हूं आपने जो किया है, मगर ये बताइए कि आपने किया क्यों। अचानक मुझे कुछ हुआ और मैंने ये कर दिया। हर बार हाँ, किसी को शिकार बनाने का मेरा पहले से
कोई प्लान नहीं होता। किसी के साथ कोई सेक्सुअल वायलेंस करने की अंदर से इच्छा हुई, अचानक दिमाग सटक गया और मैं खुद को रोक ही नहीं पाया उस पल भर के जोश में बहने से। अच्छा ये बताइए, करीब कितनी उम्र में ये सब करना शुरू किया था? यही कोई 21 या 22 साल की उम्र में। मैं कुछ चुराने की फिराक में था, फिर एक टीचर दिखी जो देर तक रुकी हुई थी, तो मैंने उसे ही लूटने, किडनैप करके रेप करने का फैसला किया। मैं उसे पास ही की गली में ले गया, उसने हाथापाई की और वहां से भाग निकली। फिर मैं उसके पीछे गया और जो चाहता था कर डाला। पहली बार मर्डर कब किया? जब 27 का था। मैं लूट मार के इरादे से गया हुआ था और मर्डर का यह क्राइम हो गया। किडनैप, रेप और मर्डर। हाँ, मैं सही वर्ड सोच रहा हूं। ये जुर्म का एहसास नहीं, पछतावा है, पछतावा। क्या इस सब पर कभी अफसोस हुआ आपको? मेरे अंदर बाकी सबकी तरह इमोशंस नहीं है। मुझे फील नहीं होता। मुझे कभी कोई अफसोस नहीं हुआ। मुझे लगता है मेरा दिमाग बाकी लोगों की तरह नहीं है। तो कैंट जी, क्या ये साइकोपैथिक है? देखिए, साइकाइट्री में उसे नापने का एक तरीका है जिसे हम कहते हैं साइकोपैथी या साइकोपैथिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मतलब हमदर्दी ना होना, इंपल्स कंट्रोल, पुअर प्लानिंग, ये इस आदमी में 99% तक था। क्या है जो किसी इंसान को शैतान बनाता है? केंट ने 800 साइकोपैथिक क्रिमिनल्स के दिमाग स्कैन किए हैं, मगर इस कैदी से ज्यादा बिगड़ा मामला नहीं देखा। ये एक स्टैंडर्ड MRI स्कैन है, देखने में काफी नॉर्मल है अगर पूरे MRI स्कैन पर नजर डालें तो। मगर हमने किया ये है कि उसके दिमाग के डिफरेंट एरियाज की क्वांटिटी देखी और समझने की कोशिश की कि ये कितने स्ट्रांग हैं। ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स का ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी बनाने, इम्पल्स कंट्रोल करने, बिहेवियर ठीक रखने में। ये तीन बार्स देखिए, ये एवरेज कैदी का है, ये उनका जिन्हें हम साइकोपैथ्स कहते हैं, ये रेड बार, और देखिए उसका बार बहुत छोटा है। उसका दिमाग सच में अलग है, उसमें ये चीज 99% के आसपास ही है। ऐसा इंसान 10 लाख में एक होता है। 10 लाख में एक? बहुत रेयर है। ये एक शैतान है इंसान के रूप में। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं उसके इस बिहेवियर की वजह है बैड न्यूरो वायरिंग। अब सवाल ये उठता है कि बावजूद इसके क्या वो सुधर नहीं सकता? क्या वो घिनौने किस्म के जुर्म ना करने का रास्ता नहीं चुन सकता? साइकोपैथ्स इंसानी बर्ताव की आखिरी हद है, मगर चॉइस तो हमारी है कि हम काम अच्छे करें या बुरे। और हजारों साल से हम उन इच्छाओं से जूझते आए हैं। मैं इजिप्ट की पुरानी राजधानी लक्सर आया हूं। इजिप्टोलॉजिस्ट सलीमा इकरम मुझे दिखाने वाली है अच्छे या बुरे को चुनने की हमारी जंग को बयां करती सबसे पुरानी तस्वीरें। तो ये है मैना का टूम। मैना? हाँ, अंदर चलते हैं। ओह, क्या बात है, कमाल का है ना। सलीमा के मुताबिक मैना के टूम में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो मुझे जरूर देखने चाहिए। ये एक सीन है जिसमें मैना के अच्छे और बुरे कर्मों को तराजू पर तोला गया है। यहाँ फ्यूनरल के लिए ले जाते हुए दिखाया गया है। अच्छा,
आप देख सकते हैं उनका कॉफिन यहाँ पर है। वो उसका कॉफिन है? हाँ हाँ, ये उन्हीं का कॉफिन है। और फिर फाइनली उन्हें यहाँ लाया जाता है गॉड ओसाइरस के सामने। ये है मैना, और यहाँ एक बिल्कुल नई चीज है जो पहली बार दिखी है किसी के प्राइवेट रूम में, एक दिल को तराजू में तोलने का मंजर। यहाँ उन्हें जज किया जा रहा है ये देखने के लिए कि वो अच्छे थे या फिर बुरे। पाताल के देवता ओसाइरस के सामने मैना का दिल सच की देवी मार्च के मुकाबले तोला गया, जहां उसका हस्बैंड थॉट फैसला लिखता है। आप कह सकते हैं ये एक तरह से क्लिफ नोट है उनके लिए। ओके, क्लिफ नोट। तो अगर कोई झूठ बोलता है या चोरी करता है, कुछ बुरा करता है, तो वो सब उसके दिल में झलक जाता है। दिल पर बोझ डालते हैं, दिल भारी हो जाता है, जैसे मेरा दिल भारी है। यस सर। और अगर दिल भारी हो तो जन्नत नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही, दिल बुराइयों के बोझ से उठ नहीं पाएगा। दम है बाद में। तो इस तस्वीर में उसका दिल सच में बैलेंस है, यही ना? ग्रेट। तो ये अच्छा है। टोटली कूल। ऑलराइट। स्वर्ग में जाने के लिए बिल्कुल सही। आप सोचेंगे कि यही बिगिनिंग होगी कम से कम किसी तरह की जूडियो क्रिश्चियन एथिक की, जैसे वो थे अच्छाई और बुराई के लिहाज से। बेसिकली आई थिंक मॉडर्न रिलीजन की जड़ें अच्छाई की सोच में ही है। जब कोई बुरा करता है तो वो रिफ्लेक्ट होता है और उसे ऐसे ही जज किया जा सकता है। इजिप्शियंस बहुत लिटरल थे, वो कहते थे कि आप दिल से जज कर सकते हैं। हाँ। आजकल भी कहा जाता है कि वो दिल का बड़ा साफ है, यानी वो अच्छा इंसान है। मेना के बाद बुराई की तरफ न जाने पर इनाम की शुरुआत पूरी इजिप्शियन सोसाइटी तक पहुंची, और शायद वहीं से ये पहुंची जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में। दिल को तराजू पर तोलने के माने हैं कि नतीजों के डर से हम अच्छाई के रास्ते पर रहते हैं। इससे सवाल उठता है कि हम पैदाइशी अच्छे हैं या पैदाइशी शैतान। असल में क्रिश्चियन धर्म की जड़ में यही सवाल है। चर्च के शुरुआती नेताओं ने बुराई की तरफ हमारा झुकाव एडम और ईव में पाया, जिन्होंने फॉरबिडन फ्रूट खाया। वही था ओरिजिनल सिन। मैं मिलने आया हूँ बैप्टिस्ट रेवरेंट और थियोलॉजियन कटर कैलावे से, ये जानने कि ओरिजिनल सिन के माने क्या यही हैं, कि हम सब दिल से बुरे हैं। हेलो, प्लेजर टू मीट यू। थैंक यू। बैठिए प्लीज। थैंक यू। कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप? फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स ऑफ जेनेसिस। ये वही है जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ किसे कहेंगे पाप, ओरिजिनल सिन क्या है? वेल, सवाल बड़ा है। एक तरह से क्रिश्चियन ट्रेडिशन ने ही ओरिजिनल वर्ड सिन दुनिया को दिया। हम सब में ये इच्छा होती है जो होती है बेसिक ह्यूमन अर्ज या इंपल्स, क्योंकि एडम का वो सिन, वो ओरिजिनल सिन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चलता ही रहा, जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हाल ही में मैंने एक ऐसे आदमी के साथ थोड़ा वक्त बिताया जिसमें कह सकते हैं शैतान था। तो मैंने पूछा ये सब क्यों किया, तो वो बोला बस मेरा मन था, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता। तो ये पैदाइशी बुराई है, क्या कहेंगे आप?